मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। मैं भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी कहा जाता है। सबसे पहले इसे 1976 में डेवलप किया गया था। ये जो डायग्राम है, ये किसी भी डेटाबेस उससे रिलेटेड रिलेशनशिप्स एट्रीब्यूट्स को पूरी तरीके से पिक्टोरियल रूप में समझाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें कुछ बेसिक सिम्बॉल्स होते हैं जिनको हम पहले देखते हैं। ये सिम्बॉल्स जो है ये इसमें हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जो सिम्बॉल है एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जिसको रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि ऐसी एंटिटी जिसमें प्राइमरी की दर्शाई जा सके उसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहा जाता है। दूसरी होती है वीक एंटिटी, वह एंटिटी जिसमें प्राइमरी की नहीं बनाई जा सकती, केवल फॉरेन की हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या ऐसे एंटिटीज ले सकते हैं या ऐसे एटीट्यूड्स ले सकते हैं जो कि किसी दूसरी एंटिटी या एटीट्यूड्स पे डिपेंड करते हैं। उनका खुद का एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट नहीं होता जिसे हम टेबल में एक फॉरेन की के द्वारा दर्शाया जा सकता है, इसे हम वीक एंटिटी कहते हैं। इसके अलावा आती है हमारी एसोसिएट एंटिटी, जिसके लिए हम इस प्रकार का डायग्राम यूज करते हैं। एसोसिएट एंटिटी जो है वो मेनली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को समझाने के लिए यूज की जाती है। मतलब कोई एंटिटी जब किसी दूसरी एंटिटी के साथ में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में रहती है, उनकी एटीट्यूड्स का एग्जिस्टेंस शो करता है, वो भी मैनी टू मैनी कंसेप्ट में बिलोंग करता है, ऐसी एंटिटी को हम एसोसिएटेड एंटिटीज बोलते हैं। इसके बाद जो डायग्राम है ये डायमंड शेप जो हम लेते हैं ये रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। जब दो या दो से अधिक एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बनता है, वो वन टू मैनी हो, मैनी टू मैनी हो, वन टू वन हो, टर्नरी, बाइनरी, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, उसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर इस डायमंड शेप को यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो डायमंड शेप है यदि ये डबल शेप में रहता है प्रकार से, तो इसको हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप मतलब जब कोई एक एंटिटी स्ट्रॉन्ग होती है और दूसरी एंटिटी वीक होती है। टेबल के कंसेप्ट में अगर हम इसको समझें तो प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में जो संबंध होता है उसको दर्शाने के लिए हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को यूज करते हैं। उसके अलावा एट्रीब्यूट्स, किसी भी एंटिटी में जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसको समझाने के लिए एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। एट्रीब्यूट को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर ओवरशेप को यूज करते हैं। यह सिंपल एक एट्रीब्यूट कहलाएगा, लेकिन यदि इसकी एट्रीब्यूट में एक से ज्यादा वैल्यू तो उसको डबल ओवर से समझाते हैं और इसे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। मतलब अगर एक ओवर हमने लिया है तो वो एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है, लेकिन अगर हमने डबल ओवर्स लिए हैं तो वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाएंगे। अगर हम इस ओवर को डैश लाइन से बनाते हैं जैसा कि मैंने इस डायग्राम में बनाया है, यह एट्रीब्यूट डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। ये एट्रीब्यूट जो है वो किसी भी एंटिटी में डायरेक्ट एग्जिस्ट कर रही है जरूरी नहीं है, इसकी वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट से कैलकुलेट की जाती है। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू किसी अनदर एट्रीब्यूट से कैलकुलेट की जाती है उसको दर्शाने के लिए हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक और रिलेशनशिप देखते हैं, इसको इजी रिलेशनशिप या पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है। ये भी एक प्रकार का रिलेशनशिप है लेकिन इसको समझाने के लिए कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसको हम एट्रीब्यूट्स एंटिटी रिलेशनशिप के बेस पे समझते हैं। जैसे कि कैट या पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को यूज करें।